इन्फो गुरुदेव पेश करते हैं आगरा में घूमने के प्रमुख स्थान। नंबर 10, अकबर का मकबरा। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अलावा आगरा मुगल वास्तुशिल्प से बनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए भी काफ़ी चर्चित है। इन्हीं में से एक है अकबर का मकबरा। सिकंदरा स्थित यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने में लगभग 8 साल का समय लगा था। नंबर 9, पंचमहल। दोस्तों, पंचमहल एक 5 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण अकबर की 3 बीवियों और अन्य शाही औरतों के लिए गर्मियों में यहाँ रहने के लिए किया गया था। यह महल अकबर की पत्नी जोधा के महल के करीब ही है। दरअसल पंचमहल जोधाबाई के महल के शाही कच्छ से जुड़ा हुआ है। नंबर 8, कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, कीटम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर, आगरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 2 पर स्थित है। यह सुरम्य झील शांत वातावरण के बीच और पिकनिक मनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प मुहैया कराती है। साथ ही शहरी जीवन के भागदौड़ के बीच यहाँ आराम के कुछ पल बिताए जा सकते हैं। नंबर 7, एतमादुद्दौला स्मारक। दोस्तों, एतमादुद्दौला स्मारक आगरा शहर के मध्य में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इस स्मारक पर आगरा के अन्य स्थानों से आप ऑटो या ई रिक्शा के द्वारा पहुँच सकते हैं। इसे नूरजहाँ ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। इसे बेबी महल भी कहा जाता है। नंबर 6, मेहताब बाग। दोस्तों, मेहताब बाग का अर्थ होता है चांद की रोशनी का एक बाग। यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैले इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच करवाया गया था। दोस्तों, यह एकदम ताजमहल के बराबर में बना है, जिससे यहाँ से ताजमहल की जो छवि है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। नंबर 5, गुरुद्वारा गुरु का ताल। दोस्तों, ये गुरुद्वारा 1610 AD में सिकंदरा में गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया था। यही उन्होंने अपने आप को औरंगजेब के हवाले किया था। दोस्तों, गुरु का ताल एक ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा है। इसे सिख समुदाय ने बनाया था। यह किला सुंदर कलाकृतियों से बना हुआ गुरुद्वारा है। नंबर 4, राधा स्वामी मंदिर। दोस्तों, राधा स्वामी मंदिर पिछले 106 साल से बनाया जा रहा है और अब कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यह दयाल बाग में स्थित है। यह इसकी स्थापना राधा स्वामी सत्संग के 5वें गुरु हुजूर साहब जी महाराज ने की थी। नंबर 3, बटेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर आगरा से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ पर 101 मंदिरों को श्रृंखला में बनाया गया है। ये मंदिर बदावर के राजा राजा बदन सिंह भदौरिया ने बनवाए थे। नंबर 2, आगरा का किला। दोस्तों, आगरा के किले को कभी कभी लाल किला भी कहा जाता है। न सिर्फ लाल रंग बल्कि दिल्ली स्थित लाल किले से इसकी वास्तुशिल्प शैली और डिजाइन भी काफ़ी मिलती हैं। दोनों ही किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यही कारण है कि जब भी पर्यटक आगरा के किले को देखते हैं तो उन्हें दिल्ली के लाल किले की याद आ जाती है। नंबर 1, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यही मुमताज महल का मकबरा भी है। ताजमहल भारतीय, पर्शियन और इस्लामिक वास्तुशिल्पीय शैली के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।